मेरठ में तालाब की खुदाई के दौरान रॉकेट लॉन्चर मिलने से हड़कंप मच गया। मामला मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र के सिवाय गांव का है, जहां तालाब की खुदाई में रॉकेट लॉन्चर का शैल मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शैल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। सूचना मिली थाने पर कि दौराला में गांव है सिवाया, वहां तालाब की खुदाई हो रही है। खुदाई में वहां पे एक लोहे का एक आइटम प्राप्त हुआ, जो रॉकेट नुमा उसका एक तरह से आप कह सकते हैं रॉकेट नुमा देखने में लग रहा है, जैसा कि हम लोग जनरली पेपर शुगर में देखते हैं। उसको लेकर के वहाँ के लोगों में कौतूहल हुआ और उसको लेकर के थाने में रिपोर्ट की गई। हम लोगों ने उसको अपने कब्जे में लेकर के जो हमारे फॉरेंसिक की टीम है उसको उसमें जांच के लिए लगा दिया गया है। और हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम को भी इंस्ट्रक्ट किया है कि यहाँ जो आर्मी है, आर्मी के एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे समन्वय स्थापित करते इसके बारे में पता लगाया जाए और अगर कोई अपेक्षित कार्रवाई है इसमें तो की जाए। फिलहाल बरामद रॉकेट लॉन्चर को FSL जांच के लिए आगरा भेजा जाने की तैयारी की जा रही है। 3 से 4 किलो वजन वाला ये शैल आखिर तालाब में यह आया कहां से, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल जांच के बाद ही इस लॉन्चर के हर पहलू से पर्दा उठेगा। मेरठ से आदिल रहमान, पंजाब केसरी TV।